Hello students, in the previous lecture we have discussed exercise 10.2 up to question number 10. In this video we will discuss from question number 11 to 20. So let's start with question number 11. So ek baar dhyan rakhna mera, before solving any straight line question, dekhiye straight line ke question aapke typical nahi hote, but inki jo language hoti hai wo aapki typical hoti hai. Agar aap इसकी लैंग्वेज एक बार समझ जाओगे, उस लैंग्वेज को समझ के आप अगर एक रफ डायग्राम बना पाते हो तो उसके बाद इसका आंसर बड़ा ही इजी हो जाता है. ठीक है, सो इसका कुछ नई चीजें नहीं आती इसमें, बस इसकी लैंग्वेज को समझने की बात है. ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं. ए लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 1, 0 एंड 2, 3 डिवाइड्स इट इन द रेशियो 1:n. फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन. सो लुक हियर, नहीं समझ आया, देखते हैं. ए लाइन परपेंडिकुलर, कोई आपके पास एक लाइन है, आपके पास कोई लाइन है, वो परपेंडिकुलर है, किसके परपेंडिकुलर है? टू द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट्स 1, 0 एंड 2, 3. तो मुझे एक क्लू मिल गया, क्या? कि कोई मेरी एक लाइन सेगमेंट है, लेट्स से 1, 0 2, 3. मान लेता हूं ये आपका ए पॉइंट, ये मेरा बी पॉइंट. तो आपके पास एक लाइन सेगमेंट है ए बी 1, 0, 2, 3. ए लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन, कोई आपकी लाइन है विच इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन सेगमेंट. यहां तक क्लियर है? ए लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट, मतलब आपके पास कोई लाइन है, लेट से एल वन, दिस लाइन एल वन इज परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस. क्लियर है? यहां तक क्लियर हो गया? अब देखिए, मुझे इस इक्वेशन की लाइन निकालनी है, दैट इज इक्वेशन निकालनी लाइन L1 की. तो किसी भी इक्वेशन निकालने के लिए आपको किसकी रिक्वायरमेंट होती है? स्लोप की रिक्वायरमेंट होती है और एक पॉइंट की रिक्वायरमेंट होती है. ठीक है, तो आपको ध्यान होगा स्लोप में निकाल पाऊंगा इजिली, कैसे? अगर ये दोनों लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो पहले मैं इसका स्लोप निकाल लूंगा, एंड इसका स्लोप जो होगा फिर मैं इसका L1 का स्लोप निकाल सकता हूं. कैसे? देखिए, तो सबसे पहले आप निकालो स्लोप ऑफ लाइन ए बी. तो स्लोप फॉर्मूला याद है आपको, y2 - y1 / x2 - x1. तो फटाफट इसमें वैल्यूज पुट कीजिए, 3 - 0 / 2 - 1. तो जो आपकी लाइन सेगमेंट ए बी है उसका स्लोप कितना आ गया मेरे पास? 3 आ गया. तो अगर मुझे इसका स्लोप निकालना है तो दोनों ये परपेंडिकुलर है ना, सिंस लाइन एल वन इज परपेंडिकुलर टू ए बी, देयर फॉर स्लोप ऑफ ए बी इनटू स्लोप ऑफ लाइन L1 विल बी इक्वल टू -1. अगर कोई दो लाइंस परपेंडिकुलर है तो उनका स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है मेरा? -1 होता है ना? यस. तो MAB वैल्यू पुट कर दो आप, इज इक्वल टू -1. इट मींस मेरे पास स्लोप आ गया -1/3. अच्छा, तो मैंने हाफ क्वेश्चन यहां पे सॉल्व कर दिया, मैंने स्लोप निकाल लिया. अब मुझे क्या चाहिए इसका? अब मुझे इस पर एक पॉइंट और चाहिए, है ना? पॉइंट चाहिए मुझे. तो पॉइंट कैसे मिलेगा वो देखिए, ये वाला लाइन पढ़ो. ये जो आपकी लाइन है दिस लाइन डिवाइड्स इट इन द रेशियो 1:n. अच्छा, ये इट किसके लिए यूज हुआ होगा, है ना? इट मेरा लाइन सेगमेंट के लिए यूज हुआ होगा ना. ये जो आपकी लाइन है ना, लाइन L1, ये जो आपके लाइन सेगमेंट AB है, इसको 1:n में क्या कर रहा है? इसको ये कट कर रहा है. अच्छा, तो अगर कोई लाइन आपको 1:n में कट कर रहा है कोई पॉइंट, तो क्या मैं वो पॉइंट निकाल सकता हूं? यस. कैसे? सेक्शन फॉर्मूला से निकाल सकता हूं. तो देखिए, फिर आपका एक्स कैसे निकालेंगे? जो मेरा पॉइंट पी है, पॉइंट पी का आप एक्स कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हो? याद होगा, mx2 + nx1 / m + n. तो वैल्यूज पुट कीजिए आप, 1 × 2 यस 2 प्लस एन इंटू वन एन अपॉन एम प्लस एन. तो ये मेरा एक्स कोऑर्डिनेट आ गया. ऐसे ही आप वाई कोऑर्डिनेट निकाल दो इसका. तो वाई कोऑर्डिनेट होता है m y2 + n y1 / m + n. सो इट विल बी इक्वल टू 3 + 0 / 1 + n. सो 3/1 + n. अच्छा, ये तो काम बन गया अपना. आपके पास स्लोप आ गया ना इस लाइन का, और आपके पास इस
इस लाइन के ऊपर आपके पास एक पॉइंट भी आ गया, तो यू कैन इजिली फाइंड इट्स इक्वेशन यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म, विच इज वाई माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स नॉट। तो वैल्यूज पुट कीजिए, वाई नॉट कितना है मेरा 3/1 + n, स्लोप इज योर -1/3, एक्स माइनस एक्स नॉट 2+n/1+n। सोल्व कीजिए अब इसको, -1/(-1/) ये माइनस माइनस प्लस हो गया आपका, तो +2+n/3 × 1+n। क्या करो सारी साइड्स को, सारी टर्म्स को एक साथ में ले जाओ अब, तो ये y-3/(1+n)+x/3, उधर जाके ये माइनस का हो जाएगा -2+n/3 × 1+n = 0। यस, अब क्या करूं मैं, अब मैं एलसीएम ले लेता हूं, कितना दिस 3 × 1+n, तो देखिए y के साथ क्या आ जाएगा, 3 1+n × y, माइनस यहां क्या आएगा मेरा -9, प्लस x के साथ आएगा मेरा 1+n, और यहां आएगा मेरा -2 - n = 0। नीचे वाले टर्म आपकी उधर जाके क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो मेरे पास क्या बना ये 3 1+n × y + x, 1+n - 9 - 2 - 11 - 9 = 0। तो ये मेरी इक्वेशन ऑफ दैट लाइन आ गई, क्लियर है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 था, बहुत अच्छे से समझा दिया मैंने आपको। अब चलो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन दैट कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड पासेस थ्रू पॉइंट 2, 3। देखिए, तो यहां आपको एक वर्ड दिख रहा है इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट मीन्स यहां पे आपके पास इंटरसेप्ट वाली फॉर्म लगेगी, तो इंटरसेप्ट फॉर्म लगेगी ना आपकी, दैट कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो सबसे पहले आप क्या करो, एक रफ डायग्राम बना लो, बना लिया। लेट से ये मेरी लाइन है जिसको मुझे इक्वेशन निकालनी है। देखिए, इंटरसेप्ट का मतलब मैं आपको बता चुका हूं, मैं फिर से रिपीट नहीं करूंगा। तो ये इक्वल इंटरसेप्ट बोल रहा है, इसका मतलब एक्स एक्सिस को भी उतने ही डिस्टेंस दूरी पे कट करेगा और ये वाई एक्सिस को उतनी ही डिस्टेंस दूरी पे कट करेगी आपकी जो लाइन है वो, ठीक है। सो इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, x/a + y/b = 1, ये होती है। क्लियर। अब देखिए यहां पे क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है आपका, a = b = a, एंड जो आपकी लाइन है दैट लाइन इज पासिंग थ्रू पॉइंट 2, 3, ठीक है। तो देखिए, अगर ये लाइन जो आपकी है 2, 3 से पास कर रही है, तो ये क्या मेरे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, करेगा ना, आपका पॉइंट सेटिस्फाई करेगा। तो पॉइंट सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है कि x की वैल्यू ये 2 लेगा और ये आपकी y की वैल्यू कितनी लेगा, ये 3 लेगा, ठीक है। तो ये सब वैल्यूज इसमें पुट करो आप, तो 2/a + 3/3 = 1, क्योंकि a = b = a है ना, तो b की जगह क्या आ जाएगा, a आ जाएगा, एंड y की जगह क्या आ जाएगा, ये जो मेरा पॉइंट है वो, ठीक है। तो यहां से देखिए क्या बन रहा है आपका, कि 2+3/a = 1, तो 5 = a। इट मींस आपके पास क्या आ गया, a की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 5 आ गई, आ गई। अब क्या करना है मुझे, इस इक्वेशन निकालनी है ना, इक्वेशन का मतलब क्या, देखिए बेसिकली इक्वेशन का मतलब क्या है, उसमें आपके पास एक्स और वाई होना चाहिए, तभी मेरी इक्वेशन बनती है। तो पहले मैंने इसकी हेल्प से ए की वैल्यू निकाल ली, आपके पास पॉइंट 2, 3 गिवन था, उसकी हेल्प से मैंने ए की वैल्यू निकाल ली। अब मुझे अगर इसकी इक्वेशन लिखनी है, तो मैं क्या लिख दूंगा, फिर से x/a + y/b = 1, और आपने ए की वैल्यू निकाल दी 5, प्लस बी की वैल्यू भी कितनी है मेरी 5, क्योंकि दोनों इंटरसेप्ट क्या है आपके, इक्वल है। सो यहां से मेरा x/y = 5। सो दिस इज योर इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। अगर आपको समझ नहीं है ना, तो आप एक बार फिर से
रिपीट करके आप इसको देख सकते हो। ठीक है, देखिए कुछ ऐसा कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में, गिवन था आपको कि आपको उस इक्वेशन की लाइन निकालनी है जिसका क्या है इक्वल इंटरसेप्ट से कट कर रही हो आपकी कोऑर्डिनेट एक्सिस पर। ठीक है, इक्वल इंटरसेप्ट पे कट कर रही हो तो इसका मतलब ये डिस्टेंस भी आपकी ए होगी, ये डिस्टेंस भी आपकी ए होगी, है ना। और देखिए यहाँ पे इंटरसेप्ट लिखा हुआ था, इसका मतलब मुझे क्ल्यू मिल गया कि मेरा कौन सा फॉर्म ऑफ इक्वेशन है, ये एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू वन। अब देखिए ये जो आपकी लाइन है, दिस लाइन इज पासिंग थ्रू पॉइंट 2, 3, अगर कोई पॉइंट कोई लाइन इस पॉइंट से सेटिस्फाई करेगी, पास कर रही होगी, मतलब ये जो आपका पॉइंट है ये इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब मैं एक्स की वैल्यू 2 रख सकता हूँ और वाई की वैल्यू 3 रख सकता हूँ। तो मैंने ये वैल्यू रख के मैंने क्या निकाल लिया, मैंने ए निकाल लिया, इंटरसेप्ट निकाल दिया। अब मुझे उसका इक्वेशन चाहिए, तो एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1, तो मैंने फिर से इंटरसेप्ट की वैल्यू रख दी 5, तो ये मेरा इसका सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 13, दिस क्वेश्चन इज सिमिलर टू द प्रीवियस क्वेश्चन, सो लेट्स स्टार्ट। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 2, 2, सेम बात वही है, आपको एक पॉइंट गिवन है जिसके थ्रू आपकी ये लाइन पास कर रही है, एंड कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द एक्स ऑन द एक्सिस हुज सम इज 9। ठीक है, इस बार आपको क्या दिया हुआ है, जो ये लाइन मेरी कट कर रही है ना, लेट्स से ये मेरा ये आपका ए है और ये मेरा अगर बी है, बेसिकली मैं एक्स इंटरसेप्ट को ए ही मानता हूँ। ठीक है, एक्स इंटरसेप्ट को मैं ए मानता हूँ और वाई इंटरसेप्ट को मैं बी मानता हूँ, है ना, क्योंकि जो मैं ये लिखता हूँ ना एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1, तो जो देखिए इसमें जो मेरा ए क्या है, ए इसमें मेरा एक्स इंटरसेप्ट होता है, बी मेरा वाई इंटरसेप्ट होता है। ठीक है, तो एक्स इंटरसेप्ट को मैंने ए मान लिया, इंटरसेप्ट का मतलब ये होता है कि वो जो लाइन है ना आपकी, वो जो आपकी लाइन है वो इस एक्सिस को मतलब एक्स एक्सिस को कट करेगी एट ए डिस्टेंस ए फ्रॉम दी ओरिजिन, इंटरसेप्ट का मतलब आपका यही होता है। ठीक है, चलिए अब देखिए इस बार आपको क्या दिखा है, हुज सम इज 9, मतलब जो आपकी इंटरसेप्ट वाली है ना उनका सम आपको 9 दे रखा है, दैट इज ए प्लस बी इक्वल्स टू 9, आपको ये गिवन है। इन द प्रीवियस क्वेश्चन आपको ए इज इक्वल्स टू बी आपको गिवन था, ठीक है, तो इस बार आपको ए प्लस बी इक्वल्स टू 9 गिवन है। ठीक है, तो जरा देखिए, तो आपकी इंटरसेप्ट फॉर्म होती है एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1, सिंस पॉइंट टू कॉमा टू लाइज ऑन दिस लाइन, तो ये इसको सेटिस्फाई करेंगे और सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है, एक्स की वैल्यू 2 एंड वाई की वैल्यू आपकी 2। ठीक है, तो पुट कर दो आप, तो 2 अपॉन ए प्लस 2 अपॉन बी इक्वल्स टू 1, सो कैन आई टेक एलसीएम 2, यस मैंने एलसीएम निकाल सॉरी एलसीएम नहीं, मैंने ऊपर से कॉमन 2 कॉमन निकाल लिया, तो अंदर बचेगा आपका 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी इज इक्वल टू 1। तो अब आप इसका एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लोगे तो क्या बनेगा मेरा, बी प्लस ए अपॉन ए बी इज इक्वल टू 1। अब ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है आपकी 9, तो ये आप वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो 9 अपॉन ए बी इज इक्वल टू 1। सो यहां से मेरे पास ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, 18 आ गई, ए बी की वैल्यू मेरी आ गई 18। ठीक है, अब देखो ए बी की वैल्यू आपके पास 18 है और इन दोनों का सम कितना होना चाहिए मेरा, 9 होना चाहिए, तो वैल्यूज क्या क्या पॉसिबल है, ए कैन बी 6 और 3। कैन आई टेक 18, क्या मैं 18 ले सकता हूं, नहीं, क्योंकि उनका सम क्या होना चाहिए आपका, 9 होना चाहिए। ठीक है, तो मेरे पास ए की वैल्यूज दो पॉसिबल है, 6 और 3। अगर ए की वैल्यू 6 है तो मेरा बी का वैल्यू कितना होगा, 3 होगा, क्योंकि इन दोनों का सम मेरा 9 होना चाहिए। अगर ए की वैल्यू मेरे पास 3 है तो आपके पास बी की वैल्यू कितनी होगी, मेरी 6 होगी। ठीक है, तो देखो आपके पास दो इक्वेशन बनेगी, एक इससे बनेगी और एक इससे बनेगी। ठीक है, अगर आप ये वाली बात ध्यान नहीं दोगे तो आपका सॉल्यूशन एक ही आएगा, दो इक्वेशन नहीं बन पाएगी आपकी। ठीक है, तो आपके पास क्या आया, ए इज इक्वल्स टू 6 एंड बी इक्वल्स टू 3, और ए इज इक्वल्स टू 3 एंड बी इक्वल्स टू 6। तो इसकी हेल्प से अगर मैं इक्वेशन लिखना चाहूं तो एक्स अपॉन ए 6 प्लस वाई अपॉन 3 इज इक्वल टू 1, और यूजिंग दिस एक्स अपॉन 3 प्लस वाई अपॉन 6 इक्वल्स टू 1। सो अगर मैं यहां से 18 अगर मैं एलसीएम ले लूं तो यहां हो जाएगा मेरा 3x प्लस 6y इक्वल टू 1,
इट कम्स आउट टू बी 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 18। तो अगर मैं इसको 3 से डिवाइड कर दूं सबको, तो ये मेरा बन जाएगा x प्लस 2y इक्वल्स टू 6। तो ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन मुझे यहां से मिलेगी, तो आप इसका एलसीएम क्या ले सकते हो, 6 एलसीएम ले लिया मैंने, तो ये बन गया आपका 2x प्लस y इज इक्वल टू 1। सो 2x प्लस y इज इक्वल टू 6। तो आइदर दिस और दिस, तो आपके पास इस क्वेश्चन के दो सॉल्यूशन आएंगे। ठीक है, अगर आपने इस पॉइंट को ध्यान से नहीं देखा तो आप एक सॉल्यूशन को मिस कर दोगे। ठीक है, सो देयर विल बी टू पॉसिबल लाइंस, आपके पास दो पॉसिबल लाइंस होगी ऐसे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं हम। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 0,2 making an angle 2π/3 with the positive x-axis. Also find the equation of the line parallel to it and crossing the y-axis at a distance of 2 units from the origin. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको दो इक्वेशन निकालनी है, दो क्वेश्चन है बेसिकली इस क्वेश्चन में। तो पहला क्वेश्चन मेरा यहां तक है, तो पहले अपन इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, उसके बाद अपन आगे वाले भी बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको देखिए। You have to find the equation of the line passing through point 0,2 means आपके पास कोई point है 0,2 making an angle 2π/3 with the positive x-axis. Wow. बस language की बात है, 2π/3 with the positive x-axis. तो ये मेरा positive x-axis है, यहां से आपकी जो line है that line is making an angle 2π/3. ठीक है, अब आपको अगर याद होगा तो यही मेरा क्या होता है, थीटा होता है कि नहीं होता, कि जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है कितना डिग्री मेरा जो लाइन इंक्लाइंड है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज योर थीटा। अगर आपको थीटा गिवन है तो यू कैन इजिली फाइंड स्लोप विच इज एम इक्वल्स टू टेन थीटा। खत्म हो गया अभी क्वेश्चन यहां पर। तो टेन 2π/3 है ना, यहां देखिए अगर यहां पे मेरा नेगेटिव एक्स एक्सिस बोल देता ना, तो फिर आपका थीटा ये नहीं होता। अगर ये देखिए, अगर आपको मान लो अगर आपको ये ऐसे बोल देता कि मेकिंग एन एंगल 2π/3 विद नेगेटिव एक्स एक्सिस, मतलब आपको ये वाला एंगल 2π/3 देता, तो देखिए जो मैं यहां एम इक्वल टू टेन थीटा में यूज करता हूं, वो मेरा थीटा कहां से होता है, फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से होता है ना। तो देखिए अगर ये मेरा 2π/3 है, तो ये मेरा एंगल कितना होगा, π/3 होगा। तो यहां पे मेरा थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मेरी π/3 हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको एंगल कहां से दे रखा है। अगर यही मेरा पॉजिटिव वाई एक्सिस से बोल देता, अगर ये मेरा पॉजिटिव वाई एक्सिस से बोल देता, तो आपको ये वाला एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस से निकालना पड़ता। ठीक है, तो ये बात आपको माइंड में रखनी है कि आपको एंगल कहां से मेजर करने को बोला है उसने। ठीक है, ओके। और यहां जो एम इक्वल्स टू टेन थीटा में रखूंगा, मैं ऑलवेज पॉजिटिव एक्स एक्सिस से रखता हूं, पॉजिटिव एक्स से आपकी लाइन जितना एंगल बना रही है वो मैं रखूंगा यहां पे एम इक्वल्स टू टेन थीटा में। सो एम इक्वल्स टू टेन 2π/3, सो 10π - π/3 एंड π - π/3 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। इन द सेकंड क्वाड्रेंट 10 आपका क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो -10π/3 एंड 1060 इज योर -√3, 1060 इज योर -√3। तो मेरे पास इसका स्लोप आ गया, और आपके पास पॉइंट गिवन नहीं थे, तो क्या मैं y - y0 = mx - x0 की हेल्प से किसका इक्वेशन निकाल सकता हूँ, यस। तो y - y0 = m (-√3) x - x0 कितना है मेरा, यस 0। सो दिस कम्स आउट टू बी y - 2 = -√3x, सो y + √3x = 2। तो ये आपका पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। चलिए अब देखते हैं सेकंड पार्ट क्या बोलता है ना। सेकंड पार्ट बोल रहा है आपको ऑल्सो फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू दिस लाइन। अच्छा, अगर आपकी दो लाइंस पैरेलल होती है, इट मींस उनका स्लोप क्या होगा मेरा, उनका स्लोप इक्वल होता है। देखिए तो सेकंड पार्ट में जो आपकी लाइन निकालनी है, मान लो L2 की निकालनी है, ठीक है, अगर ये मेरी लाइन L2 इज पैरेलल टू द लाइन L1, तो इनका स्लोप क्या होगा, इक्वल होगा। तो स्लोप, इसका स्लोप क्या हो जाएगा मेरा, -√3 ही हो जाएगा ना,
जितना पहली वाली लाइन का स्लोप था उतना ही मेरा इसका होगा, क्योंकि ये दोनों लाइन आपकी क्या है, पैरेलल है। अब आपके पास स्लोप तो आ गया, बट मुझे अब एक पॉइंट और चाहिए ना, तो पॉइंट के लिए इसने कंडीशन दे रखी है आपको कि एंड क्रॉसिंग द वाई एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स बिलो द ओरिजिन। बार बार बोल रहा हूं आपको, अगर लैंग्वेज में समझ गए आप तो बाकी कुछ होता ही नहीं है इसमें, है ना। तो देखिए ये जो आपकी लाइन है जिसका मुझे इक्वेशन निकालना है, दैट लाइन, वो लाइन आपकी इस क्रॉसिंग द वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस को क्रॉस कर रही है, ये मेरी वाई एक्सिस होती है, इसको क्रॉस कर रही है कहां पे, एट डिस्टेंस 2 यूनिट्स बिलो द ओरिजिन, ये मेरा ओरिजिन हो गया, यहां से 2 यूनिट्स डिस्टेंस नीचे से आपकी वो पास कर रही है। अच्छा तो ये मेरा पॉइंट अगर वाई एक्सिस पर है तो यहां मेरा एक्स कितना होगा, एक्स विल ऑब्वियसली बी जीरो, तो मेरा पॉइंट क्या हो जाएगा, 0.2, योर पॉइंट विल बी 0.-2। -2 क्यों आया, क्योंकि आपका ये ओरिजिन से नीचे, इसलिए मेरा -2 आया। अब देख लो आपके पास स्लोप है, आपके पास पॉइंट है, तो यू कैन इजिली फाइंड द इक्वेशन दैट इज -√3x - 0, सो y+2 इज इक्वल टू -√3x, सो y+√3x+2 इक्वल टू 0, या फिर y+√3x इज इक्वल टू -2। ठीक है, तो ये मेरा फर्स्ट पार्ट का आंसर, ये मेरा सेकंड पार्ट का आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू ए लाइन मीट्स इट एट द पॉइंट -2.9, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो वही लैंग्वेज का खेल है और कुछ नहीं है इसमें, है ना। तो सबसे पहले आप रफ डायग्राम बना लो इसका। ठीक है, एक परपेंडिकुलर है फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर है, दैट परपेंडिकुलर टू द लाइन मीट्स इट एट द पॉइंट -2.9। तो देखिए -2.9 कौन से क्वाड्रेंट में होगा, ऑब्वियसली सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है, तो लेट्स से ये मेरा कोई लाइन एल है, है ना। अब देखिए इस लाइन के ऊपर मुझे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है फ्रॉम ओरिजिन, इस लाइन के ऊपर मुझे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है फ्रॉम ओरिजिन, एंड दिस परपेंडिकुलर इज मीटिंग द लाइन एट पॉइंट -2.9। और ये परपेंडिकुलर कहां से ड्रॉ किया गया है, 0.0 से ड्रॉ किया गया, ओरिजिन से ड्रॉ किया गया। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया। अब क्वेश्चन समझ आ गया तो अपने आप कर सकते हो आप, कैसे देखिए तो किसी भी लाइन की मुझे इक्वेशन निकालने के लिए आपको एक तो स्लोप चाहिए, यस, आपको पॉइंट भी चाहिए, यस, आपको क्या दिख रहा है, पॉइंट, पॉइंट मुझे गिवन है इस लाइन के ऊपर -2.9। अब आपको क्या चाहिए, अब मुझे ओनली स्लोप चाहिए, तो मैं स्लोप कैसे निकालूंगा, जरा सोचिए, ये जो आपकी परपेंडिकुलर है क्या मैं इसकी स्लोप निकाल सकता हूं, यस, कैसे, y2 - y1 / x2 - x1। अगर इस मैंने परपेंडिकुलर की स्लोप निकाल ली तो फिर तो मैं इस लाइन की भी निकाल लूंगा, क्योंकि ये दोनों लाइन आपकी क्या है, आपस में परपेंडिकुलर है। क्लियर हुआ क्या, क्वेश्चन समझाऊं एक बार फिर से, द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से परपेंडिकुलर टू ए लाइन, किसी लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो आप, फ्रॉम ओरिजिन टू ए लाइन मीट्स इट एट द पॉइंट -2.9। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। ठीक है, तो सबसे पहले मैं निकाल लेता हूं स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर, तो वो y2 - y1 / x2 - x1, तो 9 - 0 / x2 - 2 - 0, सो -9/2, ये मेरा परपेंडिकुलर का स्लोप आ गया। ठीक है, अब देखिए ml * m परपेंडिकुलर विल बी इक्वल टू -1, सो स्लोप ऑफ लाइन विल बी इक्वल टू 2/9, 2/9 इसका स्लोप हो गया, एंड आपको पॉइंट भी मालूम है -2.9, सो यू कैन इजिली फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो y - y0 इज इक्वल टू m 2/9 x - x0, तो y - 9 इज इक्वल टू 2/9 x + 2, नाउ क्रॉस मल्टीप्लाइंग इट, तो 9y - 81 इज इक्वल टू 2x + 4, सो 9y - 2x इज इक्वल टू 85। तो ये मेरा इक्वेशन ऑफ दैट लाइन हो गया। सो दिस वॉज माई क्वेश्चन नंबर 15, सो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर
60। तो मैं डायरेक्टली आपको समझा रहा हूं, देखिए द लेंथ एल ऑफ ए कॉपर रोड इज ए लीनियर फंक्शन ऑफ इट्स सेल्सियस टेम्परेचर सी। इन एन एक्सपेरिमेंट इफ एल इक्वल्स टू दिस देन सी इज इक्वल्स टू 20 एंड इफ एल इक्वल्स टू दिस व्हेन सी इक्वल्स टू 110 एक्सप्रेस एल इन टर्म्स ऑफ सी। तो देखिए ऐसा कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, आपको गिवन क्या है कि जब सी की वैल्यू कितनी होगी आपके पास 20 होगी, जब आपके पास सी की वैल्यू 20 होगी, जब मेरे पास सी व्हेन सी इक्वल्स टू 20 तो आपके पास एल की वैल्यू कितनी होगी 124 व्हेन सी इज 20 देन एल इज इक्वल्स टू 124.942। ठीक है, सेकंड बात देखिए इसमें कि व्हेन सी इज इक्वल्स टू 110 व्हेन सी इज इक्वल्स टू 110 देन एल इज इक्वल टू 125.134। आपको इसका इक्वेशन निकालना है, बड़ा इजी है। क्या आपके पास दो पॉइंट गिवन है तो आपको मालूम है टू पॉइंट फॉर्म कैसे निकालोगे आप, वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है, तो ये आपका इतना क्वेश्चन था। अब मैं इसको सोल्व नहीं कर रहा हूं क्योंकि इसकी कैलकुलेशन क्या है आपकी डेसिमल्स में है, इसलिए आपकी कैलकुलेशन इसकी थोड़ी हार्ड होने वाली है। ठीक है, तो ये आपका इसका कंसेप्ट था, आई होप आप इसको खुद से कर लोगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, तो ये भी आपका ऐसा ही है। तो द ओनर ऑफ ए मिल्क स्टोर फाइंड्स दैट ही कैन सेल 980 लीटर्स ऑफ मिल्क ईच वीक एट रुपीज 14 पर लीटर। ठीक है, मतलब कि अगर वो 14 पर लीटर के हिसाब से अगर वो मिल्क बेचे, वो 980 लीटर्स ऑफ मिल्क बेच सकता है। ठीक है, एंड 1220 लीटर्स ऑफ मिल्क ईच वीक एट रुपीज 16 पर लीटर। अज्यूमिंग ए लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू हाउ मेनी लीटर्स कुड ही सेल वीकली एट रुपीज 17 पर लीटर। ठीक है, तो ये भी आपका क्वेश्चन सेम वही है। मैं सबसे पहले क्या अज्यूम करूंगा, लेट्स अज्यूम कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस तो आपको अज्यूम करनी पड़ेगी, तो मैं क्या अज्यूम कर रहा हूं कि एक्स एक्सिस पे मैं लिख रहा हूं रुपीज पर लीटर एंड वाई एक्सिस में मैं लीटर्स ऑफ मिल्क। ठीक है, आपको पॉइंट क्या गिवन है 14 लीटर के हिसाब से अगर वो बेचे तो 980 लीटर्स ऑफ मिल्क है ना, तो मुझे एक पॉइंट गिवन है आपका, पॉइंट वन आपको गिवन है 14980 एंड सेकंड पॉइंट आपको गिवन है 16 1220। ठीक है, और मुझे निकालना क्या है 17 पर लीटर के हिसाब से अगर वो बेचे तो वो कितना दूध बेच सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं इक्वेशन निकालनी इस लाइन की। ठीक है, तो देखो इक्वेशन कैसे निकालोगे, आपके पास दो पॉइंट्स गिवन है तो आप इक्वेशन कैसे निकालोगे, वाई माइनस वाई वन, तो वाई माइनस वाई वन क्या मान लू मैं 980 मान लू, वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन, वाई टू दैट इज 1220 माइनस 980 अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन 16 माइनस 14 एंड एक्स माइनस एक्स वन 14। ठीक है, अब देखो आप चाहो तो इसको एक्स वन वाई वन मान लो, चाहो तो आप इसको एक्स टू वाई टू मान लो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। मैं आपको ये बात बता चुका हूं इक्वेशन को सोल्व करके, मैंने आपको बताया था है ना, जब आपको कंसेप्ट पढ़ा रहा था तो मैंने आपको इक्वेशन सोल्व करके बताया था। ठीक है, अब कुछ नहीं रहा इसमें, अब इसको आपको सोल्व करना है बस। तो देखो 0 4 2 अपॉन 2 एक्स माइनस 14 कैंसिल करो 120 टाइम्स, तो y माइनस 980 इज इक्वल टू 120x माइनस 0 14 टू जा 28 2 14 वन जा 14 6 18 680। तो ये इक्वेशन क्या बन गई मेरी, y माइनस 120x इज इक्वल टू माइनस 1680 प्लस 980, सो y माइनस 120x इज इक्वल टू 00 16 700 माइनस 700। तो ये आपके पास इस इक्वेशन की आ गई, इक्वेशन आ गई किसकी, मतलब जो आपका लीनियर फंक्शन
बताया था ना कि लीनियर रिलेशनशिप शो कर रहा है, तो मैंने उसका ये इक्वेशन निकाल लिया। अब आपको निकालना क्या है, अब आपको ये निकालना है कि जब x की वैल्यू 17 पर लीटर है तो मेरा y की वैल्यू कितनी होगी, यही काम करना है बस आपको। तो पुट कर दो, आप लिख दो आप यहाँ पे व्हेन x इक्वल्स टू 17 तो मेरा y कितना होगा, तो पुट कर दो वैल्यू y माइनस 120 इंटू 17 इज इक्वल टू माइनस 700, तो y इज इक्वल टू माइनस 700 प्लस 0 34 3 17 उनसे 17 प्लस 3 20, तो जब इसमें आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो इट कम्स आउट टू बी 12 1340, y की वैल्यू आ गई मेरे पास 1340। ठीक है, तो इतना लीटर्स मैं सेल कर पाऊंगा। सो दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, चलो अब मैं 18 पढ़ता हूं। सो क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, गिवन है आपको पॉइंट ए कोमा बी इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट बिटवीन एक्सेस, सो दैट द इक्वेशन ऑफ द लाइन इज एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो जरा यहां देखिए, ये मेरी x एक्सिस हो गई, ये आपकी y एक्सिस हो गई। ठीक है, ये मेरा लाइन सेगमेंट हो गया, लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सिस, इसका मतलब ये हुआ लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सिस मतलब आपकी ये लाइन हो गई। ठीक है, अब देखिए मैं x इंटरसेप्ट को a लेता हूं और y इंटरसेप्ट को मैं b मानता हूं, जनरल आपका ये मानने का। ठीक है, आपको गिवन क्या है, दिस a कोमा b, आपको गिवन है कि ये ए कोमा बी है आपकी, क्या है इसका मिड पॉइंट है। मान लो ये आपकी लाइन सेगमेंट ए बी है ना, तो ए कोमा बी इस लाइन सेगमेंट का आपका लाइन सेगमेंट ए बी के मिड पॉइंट है। ठीक है, देखिए आप इसमें ज्यूम नहीं करोगे ना ये वाली बात। लेट्स से अगर मुझे इसका एक्स इंटरसेप्ट निकालना है तो इसका एक्स इंटरसेप्ट क्या होगा, अगर मैं इसका एक्स इंटरसेप्ट निकालूं, एक्स इंटरसेप्ट का मतलब ये हुआ ये वाली, तो यहां अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो ये पॉइंट आपका क्या होगा, इस पॉइंट के ऊपर आपका वाई कोऑर्डिनेट जीरो होगा, तो ये मेरा पॉइंट हो जाएगा एक्स कोमा जीरो हो जाएगा, और ये वाला आपका पॉइंट कितना हो जाएगा जीरो कोमा वाई। ठीक है, अब देखिए ये कुछ नहीं, ये मेरा क्या है एक्स इंटरसेप्ट है और ये मेरा y इंटरसेप्ट है, तो x इंटरसेप्ट किसके इक्वल होगा, मेरा x के इक्वल होगा एंड y इंटरसेप्ट विल बी इक्वल टू y। समझ आ रहा है क्या, x इंटरसेप्ट मेरा यही तो है, तो ये आपकी डिस्टेंस कितनी होगी x होगी, y इंटरसेप्ट मेरा ये है होगी y ही तो होगी। ठीक है, तो मुझे कुछ नहीं करना, मुझे x और y की वैल्यू निकालनी है। क्लियर है, तो मैं वैल्यू कैसे निकालूंगा कि ये आपका मिड पॉइंट है ना a कोमा b, तो अगर ये a मेरा मिड पॉइंट है तो आपको याद होगा मिड पॉइंट कैसे निकालते हो, एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू करके निकालते हो ना, तो देख लो फिर जीरो प्लस एक्स अपॉन टू, जीरो प्लस एक्स अपॉन टू, बी मेरा कोऑर्डिनेट क्या होगा वाई प्लस जीरो अपॉन टू, तो यहां से आपके पास एक्स की वैल्यू कितनी आ गई टू ए एंड वाई की वैल्यू आ गई मेरे पास टू बी, एक्स की वैल्यू आपके पास टू ए, वाई की वैल्यू आ गई मेरे पास टू बी। क्लियर है, अब देखिए अब मुझे इस लाइन का इक्वेशन निकालना है, तो इक्वेशन कैसे निकालते हो आप, जब आपको इंटरसेप्ट गिवन हो तो एक्स अपॉन एक्स इंटरसेप्ट प्लस वाई अपॉन वाई इंटरसेप्ट इज इक्वल टू वन, ये होती है मेरी। तो देखो फिर एक्स अपॉन एक्स इंटरसेप्ट कितना है मेरा, एक्स इंटरसेप्ट इज टू ए प्लस y अपॉन y इंटरसेप्ट कितना है मेरा 2b इक्वल टू 1। ठीक है, तो x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 2, हेंस मुझे यही प्रूव करना था। हुआ समझ, आया समझ, देखिए आपको ये पॉइंट देखा था, मिड पॉइंट गिवन था आपको a कोमा b, अगर ये मिड पॉइंट है तो क्या, अब देखिए अगर ये y एक्सिस को कट कर रहा है तो यहां मेरा x जीरो होगा, तो मैंने पॉइंट मान लिया जीरो कोमा वाई, ये मैंने पॉइंट मान लिया x कोमा जीरो। अब देखो y इंटरसेप्ट किसके इक्वल होगा मेरा y के, x इंटरसेप्ट मेरा किसके इक्वल होगा x के, तो मुझे x और y की वैल्यूज निकालनी है इन टर्म्स ऑफ a एंड b।
कैसे निकालूंगा, अगर ये मिड पॉइंट है ए तो ए मेरा किसके इक्वल होना चाहिए, जीरो प्लस एक्स अपॉन टू के, और बी मेरा होना चाहिए जीरो प्लस वाई अपॉन टू के। तो यहां से मेरे पास एक्स की वैल्यू टू है, वाई की वैल्यू टू बी, तो उसको मैंने पुट करके मैंने इक्वेशन निकाल दी, तो यही आपका रिजल्ट आ गया। क्लियर है? चलो सो क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। अब पॉइंट आर एच कोमा के डिवाइड्स ए लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सिस इन द रेशियो 1:2, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। तो सबसे पहले आप क्या रफ डायग्राम बना लो, ये मेरा तो लाइन सेगमेंट हो जाएगा बिटवीन द एक्सिस, ये आप कोई पॉइंट आर है एच कोमा के, दिस पॉइंट डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट इन द रेशियो 1:2। अच्छा तो क्या मैं ये पॉइंट निकाल सकता हूं? यस, ये पॉइंट क्या होगा आपका, इस पॉइंट पे मेरा वाई कितना होगा जीरो, तो ये एक्स कोमा जीरो एंड दिस विल बी योर जीरो कोमा वाई। अब यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला मैं एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लूंगा, ठीक है? तो जरा देखिए, जो एक्स कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हो आप, एक्स कोऑर्डिनेट जो मेरा एच है ना, ये किसके इक्वल होगा मेरा, वन इंटू एक्स प्लस टू इंटू जीरो अपॉन वन प्लस टू, तो ये एक्स अपॉन थ्री हो गया। तो यहां से मेरे पास एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, थ्री एच आ गई। अब वाई कोऑर्डिनेट क्या है मेरा, के है, तो वाई कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू वन इंटू जीरो प्लस टू इंटू वाई अपॉन वन प्लस टू, एंड दिस इज इक्वल टू टू वाई अपॉन थ्री। तो यहां से मेरे पास वाई की वैल्यू आ गई थ्री के अपॉन टू। अब देखो आपके पास एक्स की वैल्यू आ गई, वाई की वैल्यू आ गई। अब देखो एक्स की वैल्यू आने का मतलब यही मेरा क्या है, यही तो मेरा एक्स इंटरसेप्ट है, और यही मेरा क्या है, वाई इंटरसेप्ट है। अगर आपके पास दोनों इंटरसेप्ट है तो यूजिंग टू इंटरसेप्ट फॉर्म मैं इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल सकता हूं। तो एक्स अपॉन एक्स इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट इज थ्री एच प्लस वाई अपॉन वाई इंटरसेप्ट इज थ्री के अपॉन टू इज इक्वल टू वन। तो एक्स अपॉन थ्री एच प्लस टू वाई अपॉन थ्री के इज इक्वल टू वन। अब क्या करो, अब आप एलसीएम ले लो इसका, तो एलसीएम कितना होगा मेरा, थ्री के इंटू एच मेरा एलसीएम हो जाएगा। सो ऊपर बन जाएगा मेरा एक्स के प्लस टू वाई एच इज इक्वल टू वन ऑन सॉल्विंग एक्स के प्लस टू एच वाई इज इक्वल टू थ्री के एच। तो ये मेरी इक्वेशन ऑफ दैट लाइन। लास्ट क्वेश्चन देखिए इस एक्सरसाइज का, पॉइंट थ्री कोमा जीरो -2, -2 8, 2। आपको क्या प्रूव करना है कि दीज थ्री पॉइंट्स आर कोलिनियर, बट आपको कंडीशन दे रखी है यूजिंग इक्वेशन ऑफ लाइन। अब देखो पिछले चैप्टर में है ना, पिछली जो एक्सरसाइज थी आपकी, वहां मैंने कोलिनियरिटी प्रूव करवाने के लिए क्या बताया था, यूजिंग स्लोप। स्लोप वाला याद होगा कि यूजिंग स्लोप भी आप देख सकते हो कि ये तीनों पॉइंट्स मेरे कोलिनियर है कि नहीं। आप इन दोनों की स्लोप निकाल दो, आप इन दोनों की स्लोप निकाल दो, आप इन दोनों की स्लोप निकाल दो। अगर ये तीनों स्लोप आपके इक्वल है तो ये मेरे पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। सेकंड, जो आपने क्लास 10th में पढ़ा था एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो आप एरिया ऑफ ट्राइंगल को जीरो कर दो, उससे भी मैं स्लोप निकाल सकता हूं। तीसरा, जो आप पढ़ोगे आप यूजिंग इक्वेशन ऑफ लाइन, तो देखिए क्या होता है, आप किन्हीं भी दो पॉइंट्स से इक्वेशन निकाल दो, यूजिंग एनी टू पॉइंट्स आप इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल लो, और ये चेक कर लो कि थर्ड की वो जो आपका थर्ड है वो उसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है? तो देखिए मैं यूजिंग दिस पॉइंट ए और बी मैं इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल रहा हूं। तो आपके पास ए है 3, 0 एंड बी है -2, -2। आप यूजिंग कोई भी दो पॉइंट्स की हेल्प से निकाल सकते हो, है ना, चाहे आप बीसी पॉइंट ले लो चाहे आप एसी पॉइंट ले लो, किन्हीं भी दो पॉइंट से आप इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल लो और ये चेक कर लो कि थर्ड पॉइंट उसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है? तो आपके पास अगर दो पॉइंट है तो आप कैसे निकालोगे, y-y1 y-0 इज इक्वल टू y2-y1 दैट इज -2, -0 अपॉन -2, -3 एंड x-3।
तो जो मेरी लाइन की स्लोप आ गई, लाइन की जो मेरी इक्वेशन आ गई y माइनस जीरो, तो y इज इक्वल टू माइनस टू अपॉन माइनस फाइव, ये कैंसिल हो गया, x माइनस थ्री, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप, तो फाइव वाई इज इक्वल टू टू एक्स माइनस सिक्स, तो फाइव वाई माइनस टू एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो, तो ये मेरी इस इक्वेशन की इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई। अब क्या चेक करो कि इसमें आप थर्ड पॉइंट आपका सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो इसमें आप लिखो चेक वेदर द रिमेनिंग पॉइंट इज सेटिस्फाइंग और नॉट, अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो मेरे तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, अदरवाइज कोलिनियर नहीं है, ठीक है। तो आपका थर्ड पॉइंट क्या है, 8,2, अगर मुझे सेटिस्फाई करवाना है इसका मतलब आप x की वैल्यू 8 रखो एंड y की वैल्यू आप 2 रखो और चेक कर लो वो जीरो की कॉल आ रही है कि नहीं आ रही। तो देखिए, तो 5 इंटू टू माइनस 2 इंटू 8 प्लस 6 इज इक्वल टू जीरो, तो 5 टू जा 10, 10 माइनस 16 प्लस 6 इक्वल टू जीरो, तो 16 माइनस 16 इज इक्वल टू जीरो, तो ये सेटिस्फाई कर रही है ना। तो आप रीजन में एंड में लिख दोगे सिंस द थर्ड पॉइंट इज सेटिस्फाइंग द इक्वेशन देयरफॉर द थ्री पॉइंट्स आर कोलिनियर, ठीक है। तो आप चाहो तो बी और सी पॉइंट से भी इक्वेशन निकाल सकते हो एंड आप उसमें पॉइंट ए सेटिस्फाई करवा के देख लो, तो वहां भी मेरा सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, ठीक है ना। तो ये आपकी एक्सरसाइज 10.2। सो थैंक्स गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सो थैंक्स गाइज।